गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू मार्शल एकेडमी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिनको हम करेक्शंस बोलते हैं या कॉमन एरर्स बोलते हैं, तो जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो अच्छी इंग्लिश बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही क्रूशियल है। तो आपके सामने आज का टॉपिक है करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस। हम सेंटेंस कैसे करेक्ट बोले लिखे या कंपटीशन में हम उसको कैसे ठीक करें, तो उसके अंदर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एरर्स इन द यूज ऑफ नाउंस। नाउन की गलतियों को कैसे पहचानें, उनको कैसे ठीक करें। तो आज उन गलतियों को ठीक करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि नाउन क्या होता है। Noun is a name of anything, किसी भी चीज का जो नाम है वो नाउन है। तो आज पहले मैं बताने जा रहा हूं कि वो चीजें जो देखने में तो प्लूरल होती हैं, देखने में उनका काफी विस्तार होता है, पर उनके एक हिस्से से हम काम ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा फर्नीचर, तो फर्नीचर को हम अगर नजर में देखें तो काफी चीजें होती हैं फर्नीचर के अंदर, टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, ऐसे। तो देखने में तो ये सारी चीजें बहुवचन या प्लूरल के तौर पे नजर आती हैं, परंतु हम फर्नीचर के उस हिस्से में से एक चीज को भी निकाल के प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चेयर का हम अलग से यूज कर सकते हैं, टेबल का अलग से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जितनी भी होती हैं ये इंग्लिश के अंदर सिंगुलर के तौर पे यूज होती हैं। तो फर्नीचर्स नहीं लिखा है या पढ़ते हो तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। फर्नीचर होता है ना कि फर्नीचर्स होता, क्योंकि हम एक बात फिर समझते हैं कि फर्नीचर को देखने में हम ऐसा लगता है कि काफी चीजें हैं, ये बहुवचन होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी सीखे कि फर्नीचर के किसी एक हिस्से से भी हम काम ले सकते हैं, जैसे चेयर है और वो चेयर एक वचन, इसी तरह फर्नीचर भी एक वचन होगा। नेक्स्ट वर्ड है, जैसे मैं बोलने जा रहा हूं आई बॉट न्यू फर्नीचर, आई बॉट न्यू फर्नीचर, ना कि फर्नीचर। लगेज को हम अगर देखते हैं तो काफी चीजें दिमाग में आती हैं, बैग है और जैसे कि सूटकेस है, अटैची है ना, हैंडबैग है, तो काफी चीजें सामान के अंदर आ सकती हैं, बॉक्स आ सकते हैं। तो दिमाग में ये रहता है कि ये बहुवचन होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि हम उस सामान में से किसी एक का यूज कर सकते हैं सिंगल के तौर पर, जैसे बैग, बैग एक वचन। तो इसलिए जिस यूनिट को हम एक वचन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं वो हमेशा सिंगुलर होगी। लगेज हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे इसको कैसे बोलेंगे? माय लगेज इज न्यू, मेरा लगेज नया है, माय लगेज इज सिंगुलर आएंगे, इनके साथ सिंगुलर हेल्प वर्ब डालेगा। परंतु हेयर के साथ कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि पहले मैंने बताया कि माई हेयर इज ब्लैक, तो हेयर के साथ सिंगुलर यूज हुआ हेल्पिंग वर्ब, हेयर सिंगुलर है। परंतु जब हेयर की काउंटिंग की बात आई, हेयर को हम गिनने जाते हैं, तो वो काउंटिंग के हिसाब से प्लूरल होता है, जैसे कि देयर आर टू हेयर्स इन द फूट। देयर आर, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस के अंदर मैं आपको सेकेंड रूल करवाने जा रहा हूं कि वो नाउन्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं परंतु लिखते या बोलते समय या कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम अक्सर उनको गलत करते हैं। आओ सीखते कि कैसे वो वर्ड्स हैं, कैसे उनको हम समझते हैं। तो पहला वर्ड है सीजर्स, सीजर्स एक कैंची है। दूसरा वर्ड है जीन्स,
तीसरा वर्ड है ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, थैंक्स एंड स्टडीज। ये वो नाउन है या ये वो शब्द हैं जिनको हम समझेंगे कि कैसे इनका यूज हम एक प्लूरल के तौर पे करें। तो सीजर्स आप देखते हो कि उसके दो हिस्से होते हैं, एक कैंची के दो हिस्से हैं, परंतु एक हिस्से को लेके हम उसको यूज नहीं कर सकते, उनको अलग करके प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी चीज जो दो हिस्सों में है उनको कलेक्टिवली यूज करते हैं, उनको अलग करके यूज नहीं कर सकते, उनको हमेशा प्लूरल के तौर पे हम समझते लिखते हैं और बोलते हैं। तो ये जो वर्ड जीन्स है इसको ज्यादातर बोलने में जीन आया है, जीन बोलते हैं। तो जीन के दो हिस्से होते हैं, उनको अलग करके यूज नहीं करते, तो इसको क्या बोलेंगे, माई जीन्स आर न्यू, माई जीन्स आर न्यू। जीन्स प्लूरल है ना कि सिंगुलर है। इसी तरह से जितने वर्ड्स हम देख रहे हैं, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स हम पैंट के लिए भी यूज करते हैं, पैंट्स, ट्राउजर्स, माय ट्राउजर्स आर टॉर, मेरी पैंट फट गई है, तो ट्राउजर्स होता है और ट्राउजर प्लूरल है। उसी तरह से काफी जो हम स्टूडेंट्स हैं या कोई जर्नल यूज करने वाले, वो थैंक्स नहीं बोल पाते, कई जगह थैंक लिखा है, थैंक होता नहीं है, थैंक्स होता है, और थैंक्स हमेशा प्लूरल होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जो स्टडी वर्ड है हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होता है, पढ़ाई लिखाई का मतलब स्टडीज होता है ना कि स्टडी होता है। तो आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड फॉर स्टडीज, तो स्टडीज का मतलब किससे है, बहुवचन के साथ है। तो इसीलिए जो मैंने आज वर्ड बताए, जैसे टोंग्स, टोंग्स एक चिमटा है, वो चिमटा साइकिल का भी है या कोई चीज पकड़ने के लिए भी यूज होता है, वो चिमटा उसके दो हिस्से हैं, अलग करके यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो प्लूरल होगा। तो आज मैंने आपको सेकंड राउंड में बताया कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही यूज होते हैं। तो अब मैं आपको करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर तीसरा रूल करवाने जा रहा हूं कि जो नाउन्स जिनके साथ एस लगा होता है परंतु वो सिंगुलर यूज होते हैं, जैसे मोस्टली हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो इन सभी के पीछे एस लगा हुआ है, परंतु इनके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगा और ये सिंगुलर ही ट्रीट होंगे। जैसे इकोनॉमिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इकोनॉमिक्स के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ रहा है। उसी तरह से न्यूज, न्यूज एक खबर है, दिस न्यूज इज ट्रू, यह खबर सच्ची है, तो न्यूज के साथ क्या आ रहा है, इज। समवन्स, समवन्स जैसे हम कोर्ट में भी देखते हैं बोलने में क्या आता है, समवन, समवन नहीं होता, समवन्स होते हैं, समवन्स का मीन बुलाना। तो इनिंग्स, जैसे हम क्रिकेट के अंदर देखते हैं इनिंग नहीं, बोलने में हम काफी गलत बोलते हैं, इनिंग्स होता है, समवन्स होता है। तो ये सारे जो नाउन्स हैं इनके साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर मैं आपको नेक्स्ट रूल नंबर 4 करवाने जा रहा हूं कि जिन सेंटेंसेस में या बोलते समय डजंट स्कोर 100 hours, days, year, ये nouns आ जाते हैं या ये शब्द आ जाते हैं, अगर इनके आगे counting आ गई, counting means 1, 2, 3, 4, 5, इनके आगे लगेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर ट्रीट होंगे, इनके साथ helping verb सिंगुलर होगी। जैसे कि I bought 2 dozen eggs,
तो डजन सिंगुलर है, तो इसके साथ एस नहीं लगेगा। अगर हम आगे बात करें कि आई ज्वाइन थ्री ईयर कॉर्स, तो थ्री इयर्स नहीं होगा, कभी भी थ्री ईयर होगा। तो इस तरह से डजन स्कोर हंड्रेड आवर्स रेस ईयर, इनके आगे जब भी काउंटिंग आएगी तो हमेशा सिंगुलर ट्रीट होगी। तो इनके ये सिंगुलर ट्रीट होते हैं। तो जैसे कि अगर इनके आगे काउंटिंग नहीं होती, जैसे कि हंड्रेड ऑफ पीपल, तो ये हमेशा प्लूरल आता है, हंड्रेड ऑफ पीपल होता है, हंड्रेड ऑफ पीपल नहीं होता। जैसे डजन्स ऑफ बनानास, तो इसकी निशानी ये है कि जब इनके आगे काउंटिंग होती है तो ये सिंगुलर होंगे, अगर इनके आगे काउंटिंग नहीं है तो ये प्लूरल लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। थैंक यू। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर नेक्स्ट रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिफ्थ, फिश शीप डियर यॉर्क राइस सीरीज, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से ही यूज होते हैं स्पीकिंग में और राइटिंग में। तो जैसे कि फिश, फिश cannot live without water, fishes नहीं होता। तो उसी तरह से sheep, भेड़, बहुवचन के तौर पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि sheep are ग्रेजिंग। तो शीप आर ग्रेजिंग किसके लिए बोला है, बहुवचन के तौर पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि शीप आर ग्रेजिंग। तो शीप आर ग्रेजिंग किसके लिए बोला है, कि काफी भेड़े हैं जो वो चल रही है। तो इस तरह से ये जो जितने भी नाम इस तरह के आगे राइस, राइस आर या राइसिस, ये सेंटेंस के भाव के हिसाब से या उसकी समझाने के ढंग से अलग अलग सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। नंबर सिक्स, कि ये जो नाउन है या शब्द है, कैटल, पीपल, फोक, पुलिस, पब्लिक, पोएट्री, जेंट्री, ये हमेशा प्लूरल ट्रीट होते हैं। इनके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल लगती है, हेल्पिंग वर्ब इनके साथ प्लूरल लगता है। जैसे कि ज्यादातर लिखने में बोलने में लोग पीपल्स का उपयोग करते हैं, तो पीपल्स हमेशा गलत है, पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया आर हार्ड वर्किंग। तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, आर लगेगा, ना कि पीपल्स होता, पीपल होता है तो मोस्टली इसको पीपल्स बोलते हैं। कैटल, कैटल दूध देने वाले जो पशु होते हैं, घर में हम दूध देने वाले पशु हैं उनको कैटल बोलते हैं, और कैटल आर ग्रेजिंग। तो कैटल के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल लगता है। तो ये लिखा कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल क्या है, जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, ये गलत है, तो क्या होगा, द कैटल आर ग्रेजिंग। तो ये सारे फोक हैं, पुलिस आर या पुलिस वर्ब, ऐसे इनको हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो प्लूरल के साथ लगाएंगे। तो ये आपको मैंने सिक्स रूल करा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।